First of all, wishing all of you a very very happy new year. Okay, आज बहुत ही शुभ अवसर है. तो आज मेरे साथ जो बाया साइड में जो बैठा हुआ है, जो मधुबनी शहर में तनिष्क को लाया है, सुशील लोहिया सर हम लोग के पास मौजूद है यहाँ पे, और साथ में अरुण सर भी अपना बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के, जो हम लोग मधुबनी शहर का मेयर साहब है, वो भी जुटे हुए हैं हम लोग के साथ. और ऑन माय राइट आर द टू एबीएम ऑफ बिहार. वी हैव बंधुब्रत बैनर्जी हु इज द एबीएम, एंड वी हैव चित्रंजन सिंह एंड ही इज ऑल्सो फ्रॉम बिहार. सो एक चीज आपको हम बता दें कि ये हुआ तनिष्क का 26वां स्टोर बिहार में. इट इज द 26th स्टोर ऑफ तनिष्क इन बिहार. एंड इट वॉज लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, बहुत सारे ग्राहकों ने हम लोगों को रिक्वेस्ट किए थे कि मधुबनी में अब तनिष्क आ जाना चाहिए. तो हम लोग रिसर्च किए और देखे कि इतना कंज्यूमर्स हम लोगों का मधुबनी शहर से बाकी शहरों में जाके तनिष्क ले रहे, तो हम सोचे कि उनके सामने लेके आते हैं तनिष्क ब्रांड को. तो इसलिए हम लोग तनिष्क को यहाँ पे 26th स्टोर ऑफ तनिष्क इज ओपनिंग राइट नाउ. कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बताना चाहते हैं कि तनिष्क एक्चुअली टाटा ब्रांड है, और हम लोग प्योरिटी में विश्वास करते हैं. हम लोग के यहाँ पे एक मशीन है जिसका नाम है कैरेट मीटर. आपका कोई भी पुराना सोना जो मे बी तनिष्क में आप लोग नहीं खरीदे हैं, बाहर से खरीदे हो, आके उसका प्योरिटी आप चेक कर सकते हो. प्योरिटी अगर कम भी आया है, 22 कैरेट के नीचे आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वी हैव अ स्कीम जिसमें आप पुराना जेवर को, पुराना गहना को आप आके इसको एक्सचेंज कर सकते हो और उसका फुल वैल्यू मिलेगा. मतलब प्योरिटी का जो वैल्यू है उस हिसाब से आपको फुल वैल्यू आपको मिल जाएगा. और ये हम लोग का ये ऑफर आज से नहीं, ये कम से कम जब से तनिष्क था तब से शुरुआत किए थे हम लोग, लेकिन इसको हम लोग सेलिब्रेट नहीं करते थे. हम लोग अभी सेलिब्रेट करना चाहते हैं. तो आप लोगों के पास, आप लोग ये पहुंचाइए ये पैगाम, जो आप लोगों के पास अगर पुराना सोना है उसको लेके आइए, उसको प्योर जेवर में बदलिए. वन. दूसरा ये है, अभी जो हम लोग उद्घाटन कर रहे हैं तो कंज्यूमर्स के लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए, कंज्यूमर्स के लिए कोई गिफ्ट होना चाहिए. तो कोई भी कंज्यूमर आके हम लोग से ये 3 दिन में जो भी खरीदारी होगा उसके साथ एक सोने का सिक्का आप लोगों को मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट. ओके, दैट्स द फर्स्ट गिफ्ट फ्रॉम आवर साइड. सेकंड वन, अभी हम लोग बोलते हैं कि जेवर जो है वो सोने का ही नहीं होना चाहिए, वो डायमंड का भी होना चाहिए. तो डायमंड का भी बहुत प्रचलन हो चुका है यहाँ पे. तो हम लोग देख रहे हैं कि डायमंड अभी बहुत सारे, अभी लगन का सीजन शुरू भी हो गया है, बहुत यंगस्टर्स अभी डायमंड चुनता है, ब्राइड एंड ग्रूम डायमंड चुनता है, नॉट 22 कैरेट गोल्ड. तो डायमंड में भी हम लोग एक स्कीम हम लोग अभी चालू कर दिए हैं, वो कम से कम 45 डेज तक लास्ट करेगा टिल मार्च 10th. आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिल जाता है तनिष्क का डायमंड में. ये बहुत 3 इंपॉर्टेंट ऑफर्स है जो कंज्यूमर्स के लिए हम लोग लाए हैं. कैरेट मीटर के बारे में हम लोग बात कर लिए, गोल्ड एक्सचेंज के बारे में हम लोग बात कर लिए. अभी और एक जो चीज आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूं, सोने का भाव जैसे बढ़ रहा है तो ये कोई स्कीम होना चाहिए कि उसको धीरे धीरे आप सेविंग्स बैंक अकाउंट की तरह उसको आप लोग जमा कर लो पैसा. तो ये एक स्कीम हम लोगों का रिवा आशीर्वाद करके हम लोग एक स्कीम आए हैं, जिस दिन का जो रेट है उस दिन के हिसाब से अगर आप पैसा डालोगे, जो 2000 से लेके आप डाल सकते हो, मतलब 5000 10000 जितना आपको लगता है कि डालना चाहिए, तो वो हर महीने कुछ ग्राम आप खरीद के डिजिटली रख सकते हो. फिर उसके बाद 10वां महीना के बाद वो मैच्योर हो जाता है, ठीक है. तो उसको आप मैच्योर करके फुल वैल्यू उसको यूटिलाइज कर सकते हो, उसके साथ और पैसा जोड़ के आप एक जेवर फुल खरीद के आप ले सकते हो. पेमेंट मोड पहले क्या होता था, कैश होता था, क्रेडिट कार्ड होता था, चेक होता था,
अभी गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम अभी एक पेमेंट मोड हो गया है। आपके पास अगर पुराना सोना है उसका जो वैल्यू निकलता है तो उससे अभी आप देख सकते हो कि नया सोना जब आप खरीदते हो, कोई भी जेवर खरीदते हो, तो एक पेमेंट मोड हो सकता है। तो ये 4-5 थिंग्स विच आई वांटेड टू टेल ऑल ऑफ यू, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। आप लोग अगर कोई क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हो। तो लोग आएंगे अपने गोल्ड को लेकर के आपके यहाँ, जैसा बताएं उसकी वैल्यू को देखा जाएगा, उसको चेक किया जाएगा, क्या उसका उसको आधिकारिक तौर पर कोई पेमेंट करना होगा कस्टमर को जो आपके यहाँ आएंगे? आपका सोचिए कि आपने कोई गोल्ड लिए थे, पुराना कोई गोल्ड लिए थे, किसी और जगह से लिए थे, और उसका प्योरिटी आया 18 कैरेट। आप लोगों को ये भी हम बता दें, हम लोगों का बाइंग एंड सेलिंग रेट एक, तो 18 कैरेट का उस दिन का जो भाव है तनिष्क में, उसी हिसाब से हम लोग उसको तुलेंगे और उसी का वैल्यू आपको मिलेगा। बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि कुछ कटौती हो जाता है फिर आपको मिलता है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि ट्रू वैल्यू, वो जो सोना का ट्रू वैल्यू है वो आपको मिल जाएगा। तो वो आपका हो गया एक तरह से एक पेमेंट हो गया। तो उसको आप एक्सचेंज जब कर रहे हो, सपोज आपको 20,000 रुपया मिला और जेवर का प्राइस है 45,000, तो आपको खाली 25,000 ही देना। तो हम तो कभी नहीं बोले कि कैश एक्सचेंज होता है। टाइमिंग क्या रहेगा? हम लोगों का स्टोर खुल जाता है करीब 10:30 बजे और 8 बजे तक हम लोगों का स्टोर खुला रहता है, और सैटरडे संडे दोनों दिन खुला रहता है, तो 7 दिन ऑपरेशनल रहता है। क्या कस्टमर के लिए किसी तरह का फाइनेंस की सुविधा है? नहीं, हम लोग कोई फाइनेंस का सुविधा नहीं देते हैं, ठीक है। और हम लोग जो भी आपका क्रेडिट कार्ड हो, आपका डेबिट कार्ड हो, सारा चीज हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, साथ में हम लोग चेक भी एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन चेक ऑब्वियसली 2-3 दिन लग जाता है क्लियर होने के बाद, उसके बाद आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मधुबनी वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आइए और टाटा का जो पेशकश है तनिष्क, उसका पूरा लाभ आप उठाइए, ठीक है। हम लोग 2-3 चीज पे बात भी किए, एक गोल्ड एक्सचेंज प्रोग्राम काफी अच्छा है वो, जो आपको एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू ऑफ पुराना गोल्ड आपको दिया जाता है, और उसको आप चेक भी कर सकते हो, आपके सामने ही वो चेक करके आपको बता देगा कि कितना उसका प्योरिटी है, फिर आपके सामने ही वो गोल्ड का मेल्टिंग होता है। बहुत सारे जगह में पीछे में जाके मेल्ट करके लेके आएगा, ये आपके सामने ही मेल्ट करेगा, कारीगर उसको मेल्ट करके आपको देगा, आपके सामने टोटल जो भाव निकलेगा, वो प्राइस जो भी हम लोग देंगे उस दिन का जो प्राइस है, हम पहले भी बोल चुके हैं कि जो हम लोगों का सेलिंग एंड हम लोगों का जो भी हम लोग लेते हैं वापस एक रहता है, रेट एक ही रहता है, ठीक है। और ये टाटा का पेशकश है, सो प्योरिटी में कोई क्वेश्चन नहीं है, और हम लोगों का कस्टमर सर्विस इतना अच्छा है, आप उसको आके एक बार आजमा लीजिए। और दूसरा ये चीज है, हम लोगों का टोटल 450 के ऊपर स्टोर पैन इंडिया में है, जो ब्राइड एंड ग्रूम का मधुबनी में शादी हो रहा है, ये तो ये भी हो सकता है कि मुंबई में बसे हुए हैं और शादी के लिए मधुबनी में आए और शादी के बाद वापस चले जाएंगे मुंबई में, तो कोई भी अगर ज्वेलरी सर्विस का जरूरत हो तो पैन इंडिया कोई भी स्टोर में आप जाके करा सकते हो। थैंक यू। तो और कुछ? थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद विक्रमजीत सर को। और मैं एक एडिशनल बात बोलना चाहूँगा कि जब ये स्टोर का शुभ उद्घाटन भी हो रहा है, इसके साथ हम लोग का 3 दिन का फ्री गोल्ड कॉइन का ऑफर भी चल रहा है। तो फ्री गोल्ड कॉइन का ऑफर जो है 15,000 गोल्ड ज्वेलरी परचेज पर उपलब्ध होता है, और फॉर स्टडेड ज्वेलरी भी हम लोग 20,000 एंड अबव परचेज में फ्री गोल्ड कॉइन दे रहे हैं। मधुबनी शहर का सौभाग्य है जो
तनिक जैसे कंपनी मधुबनी शहर में पहला एक तनिक का दुकान है, जिसके लिए हम लोगों को दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पटना जाना पड़ता था। आज ये दिन दूर नहीं कि हम मधुबनी शहर में तनिक का जेवर ले सकते हैं। इसके लिए सुशील लोहिया धन्यवाद के पात्र हैं, जो तनिष्क कंपनी मधुबनी शहर में लाए, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू। मेरे पास अल्फाज नहीं है आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए। आप लोगों का साथ, आप लोगों का प्यार दरभंगा से खींच करके मधुबनी ले आया। हम मिथिलावासी हैं, मिथिला का गर्व है। अपनी दुकान में कपड़े की दुकान चलाते थे, जीतते थे प्राइड ऑफ मिथिला। तो ये सोच करके प्राइड ऑफ मिथिला ही बनने की कोशिश की है और आप लोगों का सहयोग हमें में हमेशा मिलता रहा। आज श्रीमान श्रीमती से स्टार्ट किए थे लहरिया साहब में दुकान, और आप लोग की वजह से आज हम यहाँ तक पहुँच पाए। आप लोगों का जो सहयोग और प्यार, मिथिलावासियों का सहयोग और आशीर्वाद हमें मिला है, वो आजीवन हमें याद रहेगा। और इसी सहयोग की कामना करते हुए आपके शहर मधुबनी में हम आपके साथ हैं। इनका पूरा सहयोग दीजिए ताकि हम आगे और भी आप लोगों का सहयोग के लिए कुछ और कदम उठाएं, कुछ नया चीज और लाएं सूर में मधुबनी शहर को कुछ और दे नया। बहुत सी चीजें कमी है अभी मधुबनी शहर में। हमने यहाँ पे आकर के देखा, ये भी दरभंगा और मधुबनी में ठीक है, मधुबनी भी बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत पीछे है। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ने की जरूरत है। बड़े बड़े व्यापारियों को आपको बुलाना जरूरी है, बड़े बड़े इस्टेब्लिशमेंट आपको जरूरत है। यहाँ पे अच्छे से अच्छा इंस्टॉलमेंट खुले, ब्रांडेड शोरूम खुले, ताकि मधुबनी शहर एक नाम बन सके। और वैसे ही जैसे दरभंगा का नाम है आज मिथिलांचल में, वैसे मधुबनी भी एक मिथिलांचल में उभरता हुआ नाम है। धन्यवाद। एक मिनट, एक फोटो सेशन है।